या इसमें तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर नेम इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर माइक म्यूट है आपका। देखो अभी तक क्या पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसका स्टडी कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। उसमें चार्ज किसमें था? रेस्ट में था। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्टडी है दैट कम्स अंडर द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट क्या होता है? जैसे ये फैन चल रहा है तो यहां तक करंट पहुंच रहा है ना, तो वो करंट वहां तक कैसे पहुंच रहा है, क्या मूव कर रहा है उसमें? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, चार्ज मोशन में है। तो जब चार्ज मोशन में रहेगा दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हेन चार्ज आर इन मोशन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। देखो और भी डिटेल बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रिक करंट के, तो डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको यूट्यूब में देखा करो, ठीक है? उसमें एक से एक अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है? ये क्लास वाले में एक लिमिट तक ही पढ़ाना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो डेली जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको देखते जाओ, ठीक है? आया समझ में रजत? सर उस क्लास में बेसिक कुछ करना सकता है क्या? चीज सर बेसिक क्लियर कर सकता है क्या? मैसेज बोल रहा है सर, जो यहाँ पढ़ाते हो वहाँ भी पढ़ाते हो ना वीडियो में? हाँ वहाँ भी पढ़ाता हूँ मगर उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, ठीक है? तो वो एक्स्ट्रा वाले को देखना है तो यूट्यूब में डेली अपलोड करता हूँ मैं, उसको देखते जाओ, ठीक है? पुराने भी वीडियो हैं उसको भी देखते जाओ, करीब 400-500 वीडियो हैं मेरे यूट्यूब में, तो टॉपिक का नाम लिखोगे, मेरा नाम लिखोगे तो दिखा देगा, ठीक है? यस सर। ठीक, चलो तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अगर चार्ज रेस्ट में है इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन चार्ज आर इन मोशन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज करंट? करेंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, तो सपोज दिस इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है कनेक्टेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी, ए बी इज अ कंडक्टर, साइड ए पॉजिटिव चार्ज है और साइड बी निगेटिव चार्ज, यानी साइड ए कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, सेकेंड साइड कनेक्टेड टू द निगेटिव प्लेट, तो इस साइड पूरा प्लस हो गया, इस साइड पूरा माइनस हुआ। चार्ज के फॉर्म में बेसिकली मूव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा? प्लस टू माइनस की माइनस टू प्लस? प्लस टू माइनस मूव करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस वाले प्लेट का कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन के रिपल्सन? रिपल्सन लगेगा, और इस प्लस का अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन मूव किया माइनस टू प्लस। What is the direction of electric field? It is from plus to minus. यानी इससे क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? किधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड what is the direction of current? ये भी होगा तुम्हारा प्लस टू माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है।
देखो ऐसा क्यों लेते हैं पता है, क्योंकि जिस समय करंट का डिस्कवर हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज नहीं था, तो ये मानते थे कि करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट आया तो उससे पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो माइनस टू प्लस मूव करेगा ना, और करंट के फॉर्म में बेसिकली फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है। अगर मैं एक वायर लूँ उस वायर में क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा, माइनस टू प्लस, और करंट किधर फ्लो होगा, प्लस टू माइनस। आया समझ में? तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट आई, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला हुआ। यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ करंट, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम पर सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में इतना? ठीक है चलो, अब देखो यहां पे कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चार्ज है, चार्ज भी दो टाइप का रहता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, बट ये चार्ज के फॉर्म में मूव क्या क्या करता है। तो ये जो करंट, जैसे अभी मैं सॉलिड लिया या एक मेटल लूं जैसे आयरन, आयरन रॉड में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं? Yes, क्यों होता है, क्योंकि आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़े हो ना केमिस्ट्री में। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे चार्ज कैरियर। तो व्हाट इज द चार्ज कैरियर इन सॉलिड, क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ जो प्योर वाटर है, ये भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर की इंसुलेटर। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, H2O इंसुलेटर है। बट अगर मैं उसमें सॉल्ट मिला दूं NaCl तो क्या हो जाएगा, क्या होगा उस समय, करंट कंडक्टर हो जाएगा। तो सॉल्ट मिलाने से कंडक्टर क्यों हुआ, जैसे ही वाटर में NaCl मिलाए, वाटर सॉल्यूशन में इट विल स्प्लिट इनटू पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, यस और नो, होगा ना, कि सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे ही इस पे क्या किए, प्लस और माइनस पोटेंशियल अप्लाई किए, जो सोडियम है वो मूव करने लगेगा टुवर्ड निगेटिव प्लेट, और जो क्लोराइड है वो मूव करेगा टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और इसी के मोशन के कारण क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? तो व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन लिक्विड, लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है कि आयन है, आयंस है। तो ये पूछता है एग्जाम में, व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, चलो बताओ व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन सॉलिड, सॉलिड में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन की आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन लिक्विड,
लिक्विड में करंट कैसे फ्लो होगा, कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के आयंस? आयंस मूव करते हैं, समझ में आ रहा है मेघा? अपूर्वा देखो, डेली क्लास अटेंड करोगे समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लिक्विड हो गया, अब ये बताओ गैस, गैस में करंट फ्लो होता है किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। जैसे एटमॉस्फेयर में जो गैस है तो वेरी हाई टेम्परेचर पे ये जो गैस है ना, दीज गैस आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। तो अल्टीमेटली पढ़े हो ना, ऊपर एक लेयर है दैट इज नोन एज आयनोस्फीयर, पता है कि नहीं? अर्थ से थर्ड, तो वो आयनोस्फीयर में भी करंट फ्लो होता है, किसके कारण करंट फ्लो होगा? ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। ओके, तो गैस में भी आयन हो गया चार्ज कैरियर। अब नेक्स्ट बचा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होगा, किसके कारण? तो इसमें इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होता है, इसको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो दीज आर द चार्ज कैरियर इन सॉलिड लिक्विड गैस एंड सेमीकंडक्टर। तो चार्ज कैरियर इन सॉलिड्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन, इन लिक्विड आर आयन, इन गैस ऑल्सो आयन, एंड इन सेमी कंडक्टर चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। समझ में आया इतना? क्यों अपूर्वा, रजत, मेघा? ओके, ये याद रखना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, नोट्स भी बनाते जाओ, क्योंकि ये कोविड कब तक चलेगा, कब तक तुम लोग स्कूल में आके पढ़ोगे, कोई गारंटी नहीं है। चलो अब देखो, अब आता है तुम्हारा ओम्स लॉ, ये पढ़े हो टेंथ क्लास में, पढ़े हो कि नहीं ओम्स लॉ टेंथ क्लास में? चलो तो ओम्स लॉ होता क्या है, प्रैक्टिकली देखो कि एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में रेगुलेटर लगा हुआ है, फैन का 1 2 3 4 ऐसा लिखा रहता है, इधर फैन कनेक्टेड है। चलो अब रेगुलेटर को अगर जीरो में रखते हो क्या होगा, फैन रन करेगा क्या? नहीं करेगा। वन पे रखोगे तुम स्लो मोशन में रहेगा, 2 3 4 जैसे जैसे मूव करेंगे क्या होगा, फैन का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कहां से कम हो रहा है, यहां से करंट जा रहा है ना फैन में, तो जब इसको जीरो पे रखा फैन में कोई करंट गया क्या? नहीं, यानी करंट जीरो है। जब इसको वन पे रखा तो फैन में करंट तो गया होगा ना, तभी तो फैन रन हुआ। टू पे ले गया और पहले से लार्जर अमाउंट में करंट इंटर किया, थ्री में ले गया और लार्जर अमाउंट, फोर में ले गया। अब यानी मैं यहां से जैसे जैसे नंबर चेंज कर रहा हूं, करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहां से क्या बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वी। पहले मान लो 2 वोल्ट था, करंट कम फ्लो हुआ, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, समझ में आया? तो ये रेगुलेटर का पोजीशन चेंज करने से इंक्रीज क्या हो रहा है, पोटेंशियल, यानी वी
को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, इसीलिए आई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, दिस इज द ओम्स लॉ, और भी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू भी अपॉन आई। ओके, दिस इज द ओम्स लॉ। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट आई। तो इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कंडक्टर एंड आई इज द करेंट फ्लो, देन वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई, और वी इक्वल टू आई आर, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई। दिस इज ओम्स लॉ। क्लियर हुआ? ओम्स लॉ क्लियर हुआ? ठीक है। तो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ आर? ये आर, आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? यूनिट ऑफ आर, वी का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट होता है, वोल्ट। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ करेंट? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, दिस इज नोन एज ओम्स। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। आया समझ में? आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये हुआ आर इक्वल टू वी अपॉन आई, दिस इज ओम्स लॉ। अब देखो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या काम है बताओ तो? ये ऐसे सिंबल रहता है रेजिस्टेंस का, यही है ना सिंबल। अगर बाइक चला रहे हो तो रोड के किनारे ऐसा सिंबल रहता है, इसका मतलब सामने क्या है, ब्रेकर का सिंबल ऐसा रहता है कि नहीं, देखे हो? तो वो ब्रेकर क्या करता है, ब्रेकर तुम्हारे बाइक के स्पीड को डिक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। एकदम भगाते हुए जा रहे हो 80 के स्पीड में, ब्रेकर आया थोड़ा तुम्हारा स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। यानी ब्रेकर क्या कर रहा है, स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। सेम यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। ओके, यानी एक अपोजिशन फोर्स अप्लाई करता है इन द मोशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टॉप और डिक्रीजेस फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर और एनी सर्किट। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों सुधांशु, क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई, पहले अपन क्या अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा कि करंट फ्लो कराएंगे तो वोल्टेज अप्लाई होगा? जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, वो स्विच का जो प्लस और माइनस पॉइंट क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। रेगुलेटर को मूव करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा। अब अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई किए कि आई का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर, यानी इफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी के इक्वल। यानी
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर विच प्रोड्यूस करेंट ऑफ 1 एम्पियर। यानी अगर मैं एक रॉड है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई करूंगा? ओनली उतना पोटेंशियल अप्लाई करना है कि इस रेजिस्टेंस से करेंट कितना फ्लो होना चाहिए, 1 एम्पियर। तो सच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एनी कंडक्टर विच प्रोड्यूस करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करोगे। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी इक्वल टू आई आर, देन आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, What will be shape of graph? V directly proportional I है, यानी V increase करोगे तो I भी increase करे होगा। What will be slope? Linear. Linear, ऐसा graph आएगा, okay? This is the graph between voltage and current according to Ohm's law. Voltage measure करेंगे volt में और करंट मेजर करेंगे एम्पियर में। ठीक है यहां तक? क्यों सृष्टि साहू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, ये तुम्हारा हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिकली वर्क होता है टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। अब रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस। इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस और G इक्वल टू 1 अपॉन R। कौन बताएगा क्या होगा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम। तो ये हो गया ओम इनवर्स। इसको मू भी बोलते हैं, MHO। उल्टा लिख दिए, या ऐसा भी रहता है 1 अपॉन ओम इक्वल टू ओम इनवर्स, ये ऐसा भी लिखते हैं, उल्टा ओम का साइन कर दिए, वो भी मो हुआ, और ये तुम्हारा साइमेन भी होता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट हो गया पर ओम या साइमन, एस साइमन कमीशन वाला। दिस इज द सिंबल एंड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। चलो बताओ, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होगा? क्यों रजत, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेगा? आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। आई तो फंडामेंटल यूनिट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए होता है, एम्पियर होता है ना। अब पोटेंशियल वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, याद है कि नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू वर्क होता है, क्यू चार्ज। अब ये क्यू
करेंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी हुआ, तो इसको क्या लिखोगे, डब्ल्यू अपॉन आई टी, आई करेंट है, टी टाइम है, डब्ल्यू यानी वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, करेंट का हो गया ए, टाइम का टी, ओके तो एक टी यहां, अच्छा टी ऊपर जाके हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस वन, यानी एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री ए, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वोल्ट भी, इसको पुट कर दो यहां पर, तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री ए अपॉन करेंट का ए, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां पे, ठीक है, ये यहां पर ए टू दी पावर माइनस वन होगा, तो ये माइनस वन, तो क्या होगा फाइनली, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री ए टू दी पावर माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, आया समझ में, ठीक है, तो व्हाट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस, ये बताओ कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कंडक्टेंस इसी का उल्टा कर दो, कंडक्टेंस जी इक्वल टू वन बाई आर, यानी वन अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए टू दी पावर माइनस टू, यानी एम टू दी पावर माइनस वन एल के पावर माइनस टू टी क्यू ए स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्यों मेघा सुधांशु, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्लियर हुआ, ओके अब इसमें एक आता है रेजिस्टेंस हो गया कंडक्टेंस, नाउ द नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय रो, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो देखो यहां पे सपोज दिस इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अगर मैं कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि कोई चेंज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे अगर मैं जैसे दिवाली में वो लगाते हैं ना लाइटिंग, तो अगर उसको बहुत ज्यादा लंबा वायर ले लिए तो सारे बल्ब डिम जलने लगते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो उसमें करंट डिक्रीज हो गया, तो व्हेन लेंथ इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, चलो अब यही कंडक्टर जो है इसको मैं इसका थिकनेस बढ़ा दिया, लेंथ वही है, क्रॉस सेक्शन एरिया में इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया, व्हाट विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज की डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, यानी थिकनेस बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसीलिए थिनर वायर का रेजिस्टेंस ग्रेटर रहेगा और थिकर वायर का लेस रहता है, इसीलिए थिनर वायर देखना बर्न हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, जैसे पतला पाइप में अगर ज्यादा वाटर फ्लो करो फट जाएगा ना, सेम यहां पर होता है कि थिनर वायर है ज्यादा करंट फ्लो किए तो बर्न हो जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, थिकर वायर है या थिकर पाइप है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होगा, सिमिलरली
अगर थीकर वायर है तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, यानी थीकर वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, देन इन कंबाइंड फॉर्म आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए और आर इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ये जो रो है ना इट इज कांस्टेंट, इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब देखो रो को क्या लिख सकते हो, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। बताओ व्हाट विल बी यूनिट, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, आर का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम हो गया, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का मीटर, तो ये हो गया ओम मीटर, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। समझ में आया क्या होता है रेजिस्टिविटी। अब इसमें देखो इफ ए इक्वल टू भी वन है और एल इक्वल टू भी वन है, यानी ऐसा कंडक्टर ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट है, यानी वन मीटर स्क्वायर और लेंथ भी क्या है यूनिट है वन मीटर है, उस केस में रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। कब है ऐसा, फॉर द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया, यानी अगर मैं एक वायर ले लूं उसका लेंथ वन मीटर है, उसका थिकनेस वन मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस ही उसका क्या होगा रेजिस्टिविटी। तो व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी। आया समझ में, तो ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को लिख के व्हाट्सएप करना, इतना रहें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अभी